आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। विदिशा जिले के करारिया क्षेत्र से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अगर किसी परिवार में गमी हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए कुछ इस तरह से कब्रिस्तान और शमशान मिट्टी को ले जाया जाता है। ना तो पुल है, ना ही कोई ऐसा सहारा जिससे दूसरी तरफ जा सकें। पानी के बीच से ही दलदल भरे रास्ते से लोगों को कुछ इस तरह से गुजरना पड़ता है। 500 लोगों की आबादी वाले गाँव में एक रास्ता तक नहीं बनाया गया और बारिश के समय हालात ऐसे होते हैं। करारिया में रहने वाले महेंद्र प्रताप सिंह जादौन बताते हैं कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार इस रास्ते के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से लैप्स हो गई और रास्ते का काम अभी भी चालू नहीं हुआ। मैं करारिया का रहने वाला हूँ। आज हमारे गाँव में हमारे मित्र भाई अब्बास का इंतकाल हो गया। उसकी मैयत में हम आए हुए थे और आप मेरे पीछे ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये इसमें कब्रिस्तान भी है, हिंदुओं का मरगढ़ भी है और 500 किसानों की खेती भी। प्रति वर्ष यही हाल होता है कि हम मैयत ले जाने में बार बार गिरते हैं, फिसलते हैं। बड़ा मुश्किल से हम मैयत का कार्यक्रम पूरा करते हैं और ऐसे ही हम हिंदुओं का है, मरघट में नहीं जा पाते। अगर नदी चढ़ जाए तो गांव के अंदर ही करना पड़ता है। तो मेरा सबसे यही प्रशासन से, आपके माध्यम से यही निवेदन है कि कम से कम हमें मैयत के लिए, किसानी के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मरघट के लिए जाने के लिए सुगम रास्ता तो कम से कम बन जाए। इससे पहले आपने किसी शिकायत करी प्रशासन? कई बार प्रशासन को कई बार अवगत कराए और एक दो बार तो राशि भी मंजूर हो गई थी इसकी, तो राशि भी लैप्स हो गई। क्यों नहीं बना, क्या कारण है, अभी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रति वर्ष यही हाल होता है। ठीक है। राजू मालवीय का कहना है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों आस पास में ही है। प्रशासन द्वारा आज तक यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है। अगर यहाँ पर पुल बन जाए तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। करारिया। क्या आप कहाँ पे आए हैं अभी? मार्ची में आए, मैयत में। मैयत अभी नदी में से निकल के आ रहे हैं आप? जी, नदी में से यहाँ साहब बहुत दिक्कत आते है। क्यों? अरे नदी भरा जाए साहब, कुछ ना हो। और वो तो सम दे दिएगे हमारा क्या, नदी चढ़ जाए तो और परेशानी है। जैसे साहब इतने नदी हो जाए तो कहाँ ले जाऊँ, क्या करें? प्रशासन ने कुछ भी नहीं करा आज दिन तक। अच्छा, सरकार सुन रहे। तो आप क्या चाहते हैं? पुल बन जाए, रास्ता हो जाए और जो चाहे। शमशान घाटों कब्रस्तान इधर ही है नदी के? जी, कब्रस्तान है वो शमशान। अच्छा, इससे पहले आपने किसी से शिकायत करी क्या? नहीं, किसी से नहीं साहब, दिक्कत आ रही है आपका करें भैया क्या ही मेरे मनो सुना ही कौन है। सुहेल अहमद का भी कुछ यही कहना है। करारिया हमारी जन्मभूमि है। तकरीबन 450 लोगों का जो परिवार मेरा यहाँ पर रहता है, और जो भी मैयतें होती हैं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इसी कब्रस्तान के अंदर दफन होती है। और व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि नदी के अंदर से हमें 12 महीने यहाँ से निकलना पड़ता है। कब्रस्तान के अलावा भी बगल में एक मुक्ति धाम है, अगर अर्थी भी आती है तो उसको भी यहीं से निकलना पड़ेगा। प्रशासन और शासन को कई बार अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पुल, एक टेम्परेजी जब बना दिया जाए, जैसे कि गांव वालों की सहूलियत, अगर अर्थी भी जाती है तो उसके लिए भी सहूलियत है, और मैयत भी जाती है तो सहूलियत है। दोनों मुक्ति धाम और कब्रस्तान लगे ही लगे हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्थाओं पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी इसके पीछे कोई परिवार भी रहते हैं इस साइड? हाँ, 2-3 परिवार रहते हैं, जादौन परिवार हैं, यहाँ पर रहते हैं, बरसों से रह रहे हैं वो लोग। और रहने के साथ उन लोगों को भी दिक्कत है, आम जन की खेती भी है, इस तरफ से निकल के जाते हैं, उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के अंदर तो बहुत ही दिक्कत होती है मैयतों को लेके जाना। विदिशा से राजेश रघुवंशी, सागर टीवी न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णता वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ,
पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।